नोएडा जोन में जॉइंट सीपी और मेरे द्वारा मेरा टीम पूरा सहित हम लोग सेक्टर 8, 9, 10 में जो मिश्रित आबादी है और मंदिर मस्जिद जहां भी है, हम लोग पूरा एक एरिया डोमिनेशन का एक्सरसाइज किया है और पैदल गश्त भी इसका अंग है, जिसमें हम लोग जो पैदल गश्त के दौरान हम लोग जनसंवाद का भी स्थापित किया है। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का आज गोरखपुर दौरा है। गीता प्रेस के शताब्दी समारोह में होंगे शामिल राष्ट्रपति। तो बाबा गोरखनाथ के भी दर्शन करेंगे। सीएम योगी ने तैयारियों का खुद जायजा लिया। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज गोरखपुर दौरे पर रहने वाले हैं। तमाम तैयारी यहां पर की जा चुकी है और खुद सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के दौरे को लेकर जो तमाम तैयारी की गई है उसका जायजा लिया गया। उसी दौरान की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यहां रामनाथ कोविंद गीता प्रेस जाएंगे, गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष समारोह का शुभारंभ करेंगे। साथ ही 8 पेपर पर छपी श्री रामचरितमानस के विशेष अंक और गीता त्वत विवेचनी का विमोचन भी करेंगे। और इसके अलावा राष्ट्रपति लीला चित्र मंदिर का अवलोकन भी करेंगे। राष्ट्रपति गीता प्रेस परिसर में आयोजित समारोह में अपने विचार साझा करेंगे। इस दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। तो तय कार्यक्रम के मुताबिक राष्ट्रपति करीब 1 घंटे तक गोरखनाथ मंदिर में रहेंगे। गुरु गोरखनाथ के दर्शन के बाद लाइट एंड साउंड शो भी देखेंगे। यहां से राष्ट्रपति सर्किट हाउस पहुंचेंगे और 10 मिनट आराम करने के बाद रामगढ़ ताल के लिए किनारे नया सवेरा जाएंगे, फिर सर्किट हाउस लौटेंगे और रात्रि विश्राम करेंगे। तो इस तरह से ये पूरा कार्यक्रम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का रहने वाला है। वहीं पीएम मोदी को कानपुर से विदाई देकर मुख्यमंत्री गोरखपुर पहुंचे, जहां उन्होंने रामगढ़ ताल क्षेत्र का निरीक्षण और भ्रमण किया। सीएम योगी ने गुरु गोरखनाथ बाबा का दर्शन और भ्रमलीन महंत अवैद्यनाथ की समाधि पर पूजा अर्चना की। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रपति के आगमन से पहले नौका विहार का निरीक्षण भी किया। और इससे पहले शुक्रवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने पैतृक गांव कानपुर देहात के परौंग पहुंचे। उनके साथ पीएम मोदी और सीएम योगी भी रहे। यहां उन्होंने राष्ट्रपति के गांव प्रेम की तारीफ की। वहीं सीएम योगी ने भी कहा कि परौंग अब डिजिटल गांव बन रहा है। शुक्रवार को देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कानपुर देहात के अपने पैतृक गांव परौंग में थे, तो लखनऊ में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी को संपन्न कर पीएम मोदी और सीएम योगी भी राष्ट्रपति के कार्यक्रम में परौंग पहुंचे। राष्ट्रपति कोविंद के साथ पीएम मोदी और सीएम योगी मिलन केंद्र पहुंचे और कुलदेवी पथरी देवी मंदिर में जाकर दर्शन किया। इसी गांव में जन्मे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिल की बात कहते हुए कहा कि आज तक यूपी से कोई राष्ट्रपति नहीं बना था, प्रदेश की ये तमन्ना भी पूरी हो गई। उत्तर प्रदेश के लोगों को सदैव इस बात की टीस रहती थी कि इस राज्य ने देश को 9 प्रधानमंत्री दिए लेकिन राष्ट्रपति एक बार भी नहीं। लेकिन आज उत्तर प्रदेश के लोगों को गर्व की अनुभूति होती है कि यहाँ के एक निवासी को पहली बार देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद का उत्तरदायित्व प्रदान किया गया और इसका श्रेय प्रधानमंत्री जी आपको जाता है। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति के परोख प्रेम को देखकर कहा कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है, इसीलिए कभी अपनी माटी, अपनी जड़ों और अपने गांव को नहीं भूलना चाहिए। साथियों, हम कहीं भी क्यों न पहुंच जाए, बड़े बड़े शहरों या दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न बस जाए, अगर हमने अपने गांव को जिया है तो हमारा गांव हमारे भीतर से कभी नहीं निकलता है, वो हमारी रगों में बस जाता है, वो हमारी सोच में हमेशा रहता है। मोदी ने इस मौके पर परिवारवाद का जिक्र करते हुए कहा कि मजबूत लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष होना जरूरी है, जो फिलहाल परिवारवाद का शिकार बना हुआ है। मैं तो चाहता हूँ कि परिवारवाद के शिकंजे में फंसी पार्टियां खुद को इस बीमारी से मुक्त करें, खुद अपना इलाज करें, तभी भारत का लोकतंत्र मजबूत होगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश आज हर क्षेत्र में तरक्की कर रहा है,
यही कारण है कि परोख आदर्श गांव बना है और डिजिटल गांव बन रहा है। जिस एसओसी नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, आज देश में हरेक क्षेत्र में परिवर्तन देखने को मिल रहा है और उसी परिवर्तन का असर है कि परोख गांव आज आदर्श गांव बन गया है। परोख गांव एक प्रेरणा गांव बन गया है। परोख गांव एक डिजिटल गांव बन चुका है। परोख राष्ट्रपति का पैतृक गांव है, जहां राष्ट्रपति कोविंद जन्मे और पले बढ़े हैं। परोख से उनका लगाव जग जाहिर है। राष्ट्रपति बनने के बाद वो पहले भी परोख आ चुके हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 3 से 6 जून तक उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। टीम न्यूज स्टेट। तो वहीं आजमगढ़ उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने प्रत्याशी के नाम